कांग्रेस पार्टी का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन में मिल्कीपुर शिरकत करने जा रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, विधान मंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मिश्रा सहित प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का स्वागत मऊ शिवाला सिंह ढाबा के पास कांग्रेस के महानगर महासचिव पंकज सिंह जिला सचिव शैलेंद्र सिंह यासीन खान के नेतृत्व में फूल माला पहनकर स्वागत किया गया। इस मौके पर राजेश सोनी, कमलेश सिंह, रामतेज आनंद, साधु सिंह, अतुल कुमार राम सिंह सहित दर्जनों कांग्रेसी मौजूद रहे और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि हम 10 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है और 10 सीटों पर हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने मिल्कीपुर के उपचुनाव को टालने पर बोले कि जो विधानसभाओं के उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है और जल्दी मिल्कीपुर का भी घोषणा होगी। सम्मेलन ये पहले से आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में चल रहा है, आपने देखा होगा लखनऊ में, प्रयागराज में, और ये हम आज 8वां ये सम्मेलन ये कर रहे हैं। और निश्चित तौर से आज संविधान को कुचलने का जो काम हो रहा है, आपने देखा चारों तरफ बच्चियों के साथ रेप। आपके यहीं अयोध्या में एक बच्ची के साथ रेप होता है, वो भाजपा का नेता उसका बेटा रेप करता है, कोई घर गिराया गया उसका? किसी का घर गिरा तो बताइए जो भाजपा के नेता हैं, कुछ नहीं, उसको बचाने का काम किया। आप लोगों के द्वारा चीज़ें आई, हम लोग के संज्ञान में, हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से, कल की बात है, झलकारी भाई अस्पताल में गेट बंद कर दिया गया, हमारे राष्ट्रीय महासचिव को नहीं जाने दे रहे थे, हमको नहीं जाने दे रहे थे, क्यों? उसके भाई पर दबाव कि बयान बदल दो, ये हुआ ही नहीं है, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े रहे और चीज़ों को सामने ले आए। तो हम निश्चित तौर से अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी है कांग्रेस। मापदंड होता है जनता की आवाज़ का, और आपने खुद देखा कि अगर राहुल गांधी जी ने पूरे देश की सोच में एक नई करवट, एक नई सोच, एक नई दिशा अगर शुरू की है तो सिर्फ भाषणों से नहीं की, 10,700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की पदयात्रा और न्याय यात्रा की, और कांग्रेस के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों का विश्वास। आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव तक फैली हुई हैं और बहुत मजबूत हैं। आवश्यकता है कि उन्हें निकाल कर आपने यहाँ पर प्रदर्शन देखा। इसी प्रकार के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक आंधी के रूप में, एक तूफान के रूप में, अन्याय के विरोध में कांग्रेस खड़ी दिखेगी। आप नहीं पहुँचने दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वे इस देश के प्रशासन को और सर्वोच्च पंचायत को किस प्रकार से अपने बहुमत के अहंकार में चलाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2027 का इशारा दे चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। 2027 का चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में हमने ये आयोजन किया है, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 403 विधानसभाओं में ही नहीं, लेकिन प्रदेश के 824 से भी ज़्यादा ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि यहाँ की समस्याओं को लेकर जन सामान्य के साथ जहाँ जहाँ अपराध या उनके ऊपर में दमन हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उस आवाज़ के विरोध में हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लोगों का विश्वास, चाहे वो किसानों पर हो रहा अन्याय हो, चाहे माताओं पर, बहनों पर भी हो रहा अन्याय हो, चाहे बेरोजगार युवकों पर हो रहा अन्याय हो, इन अन्याय को रोककर उनका समर्थन, विश्वास हासिल कर कर और 2027 में इसी प्रकार की सभी ताकतों को जोड़कर, जो कि इंडिया गठबंधन के इस बैनर के तले एकत्र हों और 2027 में एक मजबूत संगठन, मजबूत विचार, मजबूत कार्यक्रम के साथ हम उन्हें भारी शिकस्त दें।